अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ मिक्स बिरयानी, माय होम स्टाइल रेसिपी। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 किलो चावल ले रही हूँ, ये बुलेट राइस है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हो। इसको अच्छे से धो लेंगे। मैंने चावल को 3 बार अच्छे से धो लिया है। पानी डालकर भिगो कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब गैस पे एक कुकर रखेंगे, इसके अंदर 1/2 कप तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद इसमें 3 दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ, 4 हरी इलायची, 5 लौंग डाल के लौंग को फूटने देंगे। देखिए लौंग फूट चुके हैं। अब मैं यहाँ पे 3 प्याज को स्लाइस कर लिया है, इसके अंदर डालकर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 चुटकी नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएगी। अब प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर मैं 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का मसाला, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये घर का बना गरम मसाला है, ये सिर्फ 3 चीज़ों से बना है, लौंग, दालचीनी और इलायची से। अब इसमें डाल देंगे और 2 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे। डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, देखिए तेल भी छोड़ चुका है। अब मैं यहाँ पे 3 टमाटर को पतले स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। मैं यहाँ पे 1 किलो बीफ ले रही हूँ, यानी कि बड़े का गोश्त, इसके अंदर डाल देंगे। ये बोनलेस गोश्त है। डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 कप दही, 1/2 कप डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पुदीना डालेंगे, 1 कप फ्रेश मेथी कटी हुई और 1/2 कप हरा धनिया कटा हुआ। डालकर इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुकर बंद कर देंगे, बंद करके 4 सीटी लगा लेंगे। हो चुकी है, गैस ऑफ करके कुकर को ठंडा कर लेंगे। कुकर ठंडा होने तक चावल की तैयारी कर लेंगे। गैस पे एक बड़ा सा भगोना रख देंगे, इसके अंदर भी 1/2 कप तेल डालेंगे, 125 ml। अब तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर भी मैं 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के डाल रही हूँ। मिक्स बिरयानी में सभी चीज़ों को 2-2 बार डाला जाता है, 1/2 चावल में, 1/2 गोश्त में और 4 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग। लौंग को फूटने देंगे, देखिए लौंग फूट चुकी है। अब मैं यहाँ पर और 3 प्याज डाल रही हूँ, इसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। डालकर इसको भी फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे।
हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें दो हरी मिर्ची डालेंगे, डालकर इसको भी थोड़ा भून लेंगे। देखिए प्याज अब हल्की सुनहरी हो चुकी है। इसके अंदर भी दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का मसाला डालेंगे और दो टमाटर, मैंने इसको टुकड़ों में कट कर लिया है इस तरीके से, इसके अंदर डालकर अच्छे से भून लेंगे। देखिए अदरक लहसुन का मसाला भी अच्छी तरीके से भून चुका है। इसके अंदर पुदीना डालेंगे। एक बंच हरा धनिया, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने नमक गोश्त में भी डाला था, मैं चावल के हिसाब से डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 4 पाव चावल डाला है, इसीलिए मैं 7 पाव पानी डालूँगी, 1 पाव कम करके, क्योंकि गोश्त में भी पानी छोड़ेगा। भगोने को ढककर उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए अब पानी में उबाल आ चुका है, इसके अंदर भिगोए हुए चावल डालेंगे। डालकर चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल में मैं आधा नींबू को कट करके इसका रस डालूंगी। नींबू का रस डालने से चावल चिपकेंगे नहीं, खिले खिले चावल होंगे। अब कुकर भी ठंडा हो चुका है, इसको इसके अंदर का मसाला भगोने में डाल देंगे गोश्त छोड़कर। इसीलिए मैंने 1 कप पानी कम डाला था, क्योंकि गोश्त में भी पानी छोड़ेगा। गोश्त हम बाद में डालेंगे आधा चावल गलने के बाद। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके भगोने को दोबारा से ढक देंगे। देखिए अब हमारे चावल आधे गल चुके हैं, इसको एक बार अच्छे से नीचे ऊपर करेंगे। नीचे ऊपर करके इसके अंदर पका हुआ गोश्त डाल देंगे। इसको गोश्त की अखनी बोलते हैं। डालकर अखनी अच्छे से नीचे ऊपर कर लेंगे। ये मेरे घर की होम स्टाइल मिक्स बिरयानी है। मुझे कल ही शबनम सुहेल जी ने कमेंट किया था मिक्स बिरयानी बनाने के लिए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं आज यहाँ पर बीफ बिरयानी बना रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हो, मटन भी डाल सकते हो। मसाले और प्रोसेस सेम रहेगा, मेथड वगैरह। आप सिर्फ गोश्त कोई भी ले सकते हो। और इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला, घर का गरम मसाला, लौंग इलायची, दालचीनी का, और 1 टेबलस्पून घी मैंने इसको पिघला कर रखा था, इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से स्पैचुला को इसमें बीच में रखकर सिर्फ इस तरीके से हिलाएंगे, चावल टूटेंगे नहीं ऐसा करने से। फिर से इसको ढाप देंगे, ढाप कर दम को रख देंगे आंच को धीमी करके। अब भगोने के नीचे एक तवा रख देंगे। मैं यहाँ पे लोहे का तवा रख रही हूँ। रखकर फिर से भगोना इसमें रख देंगे। रख के अब भगोने के ऊपर किचन तवा से ढाप देंगे। ढापने से स्टीम बाहर नहीं जाएगी। अब इसके ऊपर मैं एक कुकर रख रही हूँ। रखकर 10 से 15 मिनट तक बिरयानी को दम कर लेंगे धीमी आंच में।
अब 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी है। गैस ऑफ करके बिरयानी को डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारी बिरयानी कितने अच्छे से दम हो चुकी है, अब इसको डिश आउट कर लेंगे। मिक्स बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है और कितनी खुली खुली बनी है, दाना दाना एक एक सेपरेट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स हमारी बीफ मिक्स बिरयानी माय होम स्टाइल रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।